स्टूडेंट्स, हमने नर्वस सिस्टम देखा था। उसमें मेन पार्ट्स उसका जो हमने देखा था वो नर्व सेल। नर्व सेल में सेल बॉडी, एक्सन एंड नर्व एंडिंग, तीन पार्ट्स देखे थे, राइट। तीनों पार्ट्स में से जो इंपल्स होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस होता है, जो मैसेज ले जाता है, वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ से केमिकल सब्सटेंस को यहाँ दूसरा फिर नर्व सेल आएगा, दोनों के बीच में गैप होती है, वहाँ से ट्रांसफ़र करता है। इस तरह पूरा मैसेज ट्रांसफ़र होता है, ये हमने देख लिया था, राइट। और ये डायग्राम देखा था जिसमें ये एक्सन है, ये न्यूक्लियस, ये डेंड्राइट्स और ये नर्व एंडिंग, ये कैसे ड्रॉ करना है वो भी बताया था, राइट। अब आगे एक्टिविटी देखते हैं, फिर उसमें अलग अलग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो। सबसे पहले देखो एक्टिविटी में दिया है, पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट। तुम्हारे मुंह में शुगर रखना है तो उसका टेस्ट कैसा होगा, तो सिंपल स्वीट होगा, राइट, ये तो हमें पता है। फिर ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। नाउ ईट शुगर अगेन, इफ देयर एनी डिफरेंस इन द टेस्ट। अब नोज को हमारी ब्लॉक कर देना है एक फिंगर और थंब से, और फिर शुगर को मुंह में डालना है, तो उसका टेस्ट क्या होगा। तो उसका शुगर का टेस्ट तो एज इट इज़ रहेगा, कि कोई डिफरेंस नहीं होगा, फिर भी वो स्वीट ही लगेगी, राइट। व्हाइल ईटिंग लंच ब्लॉक योर नोज इन द सेम वे एंड नोटिस इफ यू कैन फुल्ली अप्रिसिएट द टेस्ट ऑफ द फूड यू आर ईटिंग। जब तुम इसी तरह नोज को ब्लॉक करके जब खाना खाओगे तो उसका टेस्ट कम्प्लीटली अप्रिसिएट होता है फूड का, वो देखना है। तो जब हम ब्लॉक करेंगे तो वी फील द टेस्ट हमें फील होगा, बट कैन नॉट फुल्ली अप्रिसिएट, फुल्ली हम उसे अप्रिसिएट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो नोज में होते हैं, हमारे नोज में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी, जो स्मेल को कैचअप करते हैं, राइट। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर नॉट स्टिम्यूलेटेड, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्टिम्यूलेट नहीं करते, तो वी कैन नॉट फील द स्मेल, इसकी हम स्मेल फील नहीं कर सकते। हम खाना खाते हैं तो उसके टेस्ट के साथ स्मेल भी फील होती है। तो हम जब नोज क्लोज करके खाएंगे, ब्लॉक करके, तो उसको हम खाएंगे, टेस्ट तो आएगा पर स्मेल बंद नहीं आएगी। तो स्मेल नहीं आएगी तो हम रियली जो ऐसे फील करते हैं वैसे फील नहीं कर सकते, राइट। देखो यहाँ पे दिया है, इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड, इफ सो व्हाई माइट दिस इज हैपनिंग। तो रीड द टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ डिफरेंसिस, डू यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव अ कोल्ड। तो ये हमने डिस्कस किया कि नोज क्लोज करो, ब्लॉक कर दो तो क्या होता है, राइट। जैसे स्मेल नहीं आती है तो उसको हम खा सकते हैं तो टेस्ट तो आएगा पर स्मेल नहीं आएगी, तो रियल जो अप्रिसिएशन होता है वो नहीं होता है। यही पोजीशन हमारी कब होती है, जब कोल्ड, हमें सर्दी हो जाए तब भी यही होता है, नाक बंद हो जाती है तब ऐसे ही होता है कि पूरा कंप्लीट टेस्ट हमें नहीं आता है, टेस्ट तो स्मेल नहीं आती, इसलिए वो हमें अप्रिसिएट नहीं होता है, राइट। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वॉट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, मतलब ये रिफ्लेक्स एक्शन पहले तो क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन मतलब सडन रिएक्शन जो हम देते हैं, सडन रिएक्शन किसी भी चीज़ में, जैसे कि किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया तो हम रिसेंटली हाथ को रिटर्न ले लेते हैं, राइट। तो वो एक रिसेंट एक्शन रिएक्शन होता है, उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, जो हम बहुत जल्दी स्पीड में करते हैं। जैसे हमारे आइस के ऊपर कोई ब्राइट लाइट गिरती है तो आँख बंद हो जाती है, गर्म पानी के ऊपर आधा दिया तो हाथ दूर हो जाता है, ये सब कभी कुछ लगा लगता है तो भी हमें ये होता है। हमें स्नीजिंग होती है, स्नीजिंग होती है तो भी हमें पता नहीं चलता है, अपने आप हो जाता है। योनिंग, वो भी हम अपने आप करते हैं, मतलब हम उसमें कुछ सोचते नहीं, ऐसे ही हो जाता है वो, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन है ना इज़ इनवॉल्यूंटरी इंस्टेंट एक्शन है। इनवॉल्यूंटरी मतलब रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉल्यूंटरी है, मतलब जो हमारे हिसाब से नहीं होता है, वो हो ही जाता है, हम उसे करना चाहे या ना चाहे, हम सोच के नहीं करते, वो इनवॉल्यूंटरी होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ इनवॉल्यूंटरी इंस्टेंट एक्शन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। इसमें ब्रेन नहीं आता है, ऐसा नहीं कि ब्रेन के पास मैसेज गया फिर ब्रेन ने रिटर्न किया तो हमने ये वर्क किया, ऐसे कुछ नहीं होता है। बाकी सारे हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है और ब्रेन मोटर नर्वों को मैसेज देता है, फिर हम उसको रिएक्ट करते हैं। पर रिफ्लेक्स एक्शन में मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता है, तो इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इम्पोर्टेंट रिएक्शन नीडिड फॉर सर्वाइवल।
तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ इनवॉल्यूंटरी इंस्टेंट एक्शन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नीडेड फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए जो जितने भी रिएक्शंस होते हैं इसमें ये ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए ना अभी, इसमें स्नीजिंग, योनिंग, फिर मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम। हमारा जो डायाफ्राम होता है जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ऊपर नीचे करता है, वो भी हमें पूछ के नहीं करता है, वो अपने आप ब्रेन के मैसेज से नहीं करता है, अपने आप करता है। कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल इन ब्राइट लाइट, तेज लाइट में हमारी आंखें ऊपर नीचे करती है, ये सब जो होते हैं वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। तो देखो इसको यहाँ पे दिया है, वो रीड करते हैं। रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज एवरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इज रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में किसी को भी रिस्पॉन्स करने के लिए हम सडन एक्शन करते हैं, राइट, वो रिफ्लेक्स होता है, हम उसे रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सिटी रिफ्लेक्सली, बस में से हम अचानक कूद गए। आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, ये भी रिफ्लेक्सिटी हुई कि हमने हाथ कहीं पे गर्म लगा फ्लेम के ऊपर तो रिटर्न ले लिया। आई वॉज अ हंग्री, हम जब भूख लगती है तो माउथ में कभी कभी पानी आ जाता है किसी अच्छी चीज़ को खाने की देख के, ये भी एक रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्सिटी है। ये सब रिफ्लेक्सली मतलब ऑटोमेटिकली अंदर से होता है। What exactly do we mean? तो a common idea in all such examples is that we do something without thinking about it. मतलब ये सब क्या होता है, we do something without thinking, बिना thinking के ये जो काम हम करते हैं, और without feeling in control of our reaction. ये जो हम करते हैं इस पर reaction पर हमारा control नहीं होता है। Yet these are situations where we are responding with some action to change it in the environment. हम ये सब सिचुएशंस कैसे कि हम रिस्पोंड करते हैं किसको, एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है उसको रिस्पोंड करते हैं। हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशन, ऐसे सिचुएशंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बाकी सब में तो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, हम जो सोचते हैं वो होता है, पर इसमें कैसे होता है देखते हैं वो भी आगे। देखो लेट अस कंसिडर दिस फर्दर, टेक वन ऑफ आवर एग्जाम्पल्स। टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। गर्म फ्लेम है जो जल रहा है, फ्लेम के ऊपर अगर हाथ लगा दो, टचिंग करो तो वो हमारे लिए डेंजरस होता है, राइट। इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल हाउ वुड वी रिस्पॉन्स टू दिस, तो वन सिंपली वे इज टू थिंक कॉन्सिक्वेंसली अबाउट इस पेन एंड पॉसिबिलिटी टू गेटिंग बर्न। अगर ये बर्न हो जाता है उससे जलने की पॉसिबिलिटी रहती है, राइट, कंटिन्यूसली उसको टच कर दो तो एंड देयर फॉर मूव अवर हैंड, इसलिए हम अवर हैंड हमारा हाथ दूर ले लेते हैं। तो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग वॉट विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस। अगर ये हमने हाथ नहीं लिया होता और हम इसको सोचते तो वो कितना लंबा प्रोसेस होता है, ये मतलब हमने हाथ रखा गर्म लग रहा है तो उसको सोचेंगे कि गर्म लगता है हटा लो फिर हटाएंगे, ये नहीं होता है इंस्टेंट, ये सब टाइम थिंकिंग वाला टाइम होता ही नहीं है और इंस्टेंट रिएक्शन हो जाता है उसमें। तो द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक, वी नी नर्व इम्पल्सिस आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर। पहले हमने सोचा देखा था कि इसमें नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो हमें ब्रेन तक ले जाते हैं, ब्रेन में से मोटर नर्वों में से जाता है फिर रिटर्न होता है, तो ये सब का टाइम उसमें नहीं होता है। देन थिंकिंग इज ऑल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सिस, थिंकिंग में ये सब इम्पल्सिस आ जाते हैं। थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, इसमें बहुत सारे प्रोसेस जुड़े हुए हैं, सो इट इज बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन, वो कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मेनी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम मेनी न्यूरोस, उसमें बहुत सारे न्यूरोस जुड़े हुए होते हैं, किस में, थिंकिंग में, थिंकिंग में बहुत सारे नर्व का काम होता है, वो सारे मिल के इम्पल्स को रिसेप्ट करके आगे फंक्शन रिएक्शन देते हैं, बट जब फ्लेम के ऊपर हाथ लगता है तो उसमें ये पूरा प्रोसेस नहीं होता है। इफ दिस इज द केस इज नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इज अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरोन्स। ये जो हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरोन्स, न्यूरोन्स मतलब नर्व सेल्स होते हैं ना, उससे बने वो न्यूरोन्स बहुत सारे होते हैं, उससे पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है हमारी बॉडी में। इट सिट्स इन द फॉरवर्ड ऑफ द स्कल and receives signal from all over the body which is think about before responding of them.
ये क्या करता है, इट सिट्स इन द, ये जो नेटवर्क होता है पूरा न्यूरॉन्स का, फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, स्कल के आगे वाले पार्ट में होता है, एंड रिसीव्स, वो क्या करता है, रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच इज थिंग्स अबाउट द रिस्पॉन्डिंग, बॉडी के अंदर से जितने भी सिग्नल आते हैं उसे रिसीव करता है और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए फंक्शन करता है। तो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दिस सिग्नल, दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें जो थिंकिंग पार्ट होता है वो कहाँ होता है, ब्रेन में होता है, तो वो स्कल में होता है, ब्रेन कहाँ होता है, स्कल में होता है। तो वो क्या करता है, रिसीव द सिग्नल दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड, वो किससे कनेक्टेड होता है, नर्व से, कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट, वो सारी नर्व कहाँ से आती है, अलग अलग पार्ट्स में से आती है बॉडी के, उसके साथ ब्रेन कनेक्टेड होता है, तो ब्रेन उसी नर्व के थ्रू हमें मैसेज रिसीव करता है। सिमिलरली दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, नर्व मस्ट कैरी द सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर उसके बाद यही नर्व डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में मैसेज ले जाती है मसल्स में से, तो सिग्नल जो भी होता है, इफ़ ऑल ऑफ दिस टू बी डन वेदर वी टच हॉट ऑब्जेक्ट, ये सब फॉर ये सब जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, जब ये सब पूरी मेथड होगी तो बहुत देर लग जाएगी, इट मे बी इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न, इतने टाइम में तो हमारा हाथ जल सकता है, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि मैसेज नर्व से ब्रेन में ले जाएंगे, ब्रेन इसको मैसेज दे के दूसरी नर्व के दूरी रिएक्शन देगा, तो उसमें तो हम जल सकते हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन थिंकिंग वाला पार्ट नहीं होता है, ब्रेन से पहले स्पाइनल कोड होता है, वही मैसेज रिटर्न करके हाथ को रिटर्न लेता है, मैसेज ब्रेन तक जाता ही नहीं, तो वही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, देखो हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हमारी बॉडी में ये थिंकिंग करने तक तो हाथ जल सकता है, तो ये प्रॉब्लम को बॉडी कैसे सॉल्व कर दिए, तो रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ इट, इट इफ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट वेयर द कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल्स इन द सिंपलर वे, ये जो हीट होती है उसे डिटेक्ट कौन सी नर्व करती है, तो जो मसल्स के साथ जुड़ी हुई होती है सिंपलर वे, हमारी बॉडी हाथ के मसल्स जो होते हैं, दिस प्रोसेस डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कॉम्प्लिकेटेड क्विकली, ये बहुत क्विकली होता है, सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आई, ये जो मसल्स में से गया जो हाथ टच किया वहाँ रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर उसकी गर्मी को रिसेप्ट करके मसल्स में ले जाएगा, फिर स्पाइनल कोड के थ्रू रिटर्न आ जाएगा और मैसेज देगा कि उसको हटा लो, मतलब वो इंस्टेंट हो जाता है, ब्रेन तक जाता ही नहीं, सोचते ही नहीं, तो ये जो काम होता है वो शॉर्ट टाइम में हो जाता है, तो कनेक्शन इज द कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ये जो पूरा रास्ता होता है जहाँ से रिसेप्ट किया फिर रिटर्न आया और फिर मैसेज गया, ये जो आर्क होता है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, वो अभी हम डायग्राम में भी देखते हैं, देखो पहले ये पढ़ लेते हैं कि वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्टेड बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व, द बेस्ट प्लेस कहाँ पे मिक्स होता है वो बिटवीन, तो द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट आइदर ईच अदर, ये इनपुट एंड आउटपुट जहाँ से जाएगा वो फिर बाहर आएगा वो मैसेज कहाँ पे मिक्स होते हैं, तो ये दोनों की मेन जगह वो कहाँ मिक्स होता है उसके ऊपर है कि कहाँ दोनों मिलते हैं, तो ईच नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन द बंडल इन द स्पाइनल कोड, ये कहाँ मिक्स होते हैं दोनों, स्पाइनल कोड में, देयर मे बी द ऑन द वे टू द ब्रेन, ब्रेन तक मैसेज जाए उसके रास्ते में स्पाइनल कोड से वो दोनों मिक्स हो गए, रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कोड इटसेल्फ ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोस ऑन द रीच टू द ब्रेन, उसके पास जाने से पहले वहाँ मिलती है और वो वहाँ से ही रिएक्शन हो जाता है, राइट। तो ये छोटे कम टाइम में हो जाता है रिफ्लेक्स आर्क, मतलब हमें सोचने से पहले, तो ये पूरा जो पाथ होता है जिसमें हमने सोच रिफ्लेक्शन हुआ उसका पाथ जो इंपल्स का उसे रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ, इसमें भी होता है एनिमल्स में भी होता है हर एनिमल में, इनफैक्ट मेनी एनिमल्स हैव वेरी लिटल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग, कुछ एनिमल्स के पास तो बहुत कम न्यूरॉन्स होते हैं
थिंकिंग के जो नेटवर्क होता है उसमें। सो इट इज क्वाइट क्विकली द रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड एफिशिएंटली वे फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रू थॉट प्रोसेसेस। इसलिए उसमें भी बहुत इंस्टेंट थॉट वाले प्रोसेस के बिना बहुत इंस्टेंट वो प्रोसेस हो जाता है रिफ्लेक्शन। हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क इट कम इन टू एग्जिस्टेंस, ये क्यों एग्जिस्टेंस हुआ? द रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशियंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स आर्क उनकी कंपेरिजन में मोर एफिशियंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स देता है। कौन सा? रिफ्लेक्स आर्क। देखो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है वो डायग्राम में देखो, यहाँ पे नीचे दिया है कि कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच ओकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन द आइस। तो देखो पहले तो यहाँ पे हम हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट ये पढ़ा है, तो जब हम हाथ टच करते हैं तो किसी भी चीज़ का जहाँ पे उसे गर्म है या ठंडा है वो चीज़ डिटेक्ट कौन करता है? तो रिसेप्टर्स। कौन डिटेक्ट करता है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स यहाँ कहाँ होते हैं? स्किन में होते हैं। हमने देखा था कि ये सारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स में होते हैं, और स्किन हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है। क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। तो रिसेप्टर्स यहाँ से उसे हीट गर्म है ऐसा रिसेप्ट करता है। अब रिसेप्ट करके ये मैसेज ऐसे ले जाएगा यहाँ पे सेंसरी नर्व, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन में से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ब्रेन तक जाए तो वो सोचेगा, पर यहाँ ये ब्रेन तक नहीं ले जाता है, बीच में स्पाइनल कॉर्ड ही है। स्पाइनल कॉर्ड ये रहा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड यहाँ आता है, तो यहाँ से रिटर्न फिर से स्पाइनल कॉर्ड ही उसे रिले न्यूरॉन होता है। स्पाइनल कॉर्ड में एक मेन पार्ट होता है रिले न्यूरॉन, वही जो ब्रेन काम कर रहा था वो काम ये कर देता है और यहाँ से रिटर्न मैसेज फिर से चला जाता है। ये रिले न्यूरॉन उसको मैसेज दे देता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो वो मोटर नर्व के थ्रू मैसेज आता है मसल्स के थ्रू और ये हाथ पीछे लेते हैं, तो ये इतने में पूरा प्रोसेस हो जाता है, यहाँ तक नहीं जाता है। बाकी सारे प्रोसेस में इम्पल्स ब्रेन तक जाता है, ब्रेन जो थिंकिंग करता है फिर यहाँ तक आके यहाँ तक आता है, राइट। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन, ये जो पूरा पाथ हुआ है ऐसे, इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क जो होता है और रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब ब्रेन से पहले स्पाइनल कॉर्ड में जो मेन रिले न्यूरॉन है वही ब्रेन का काम कर देता है, राइट। तो ये था रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट।